तेरी आंखों का इशारा समझे है दिल हमारा, कभी काबू में आके जरा मैं हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे ब्लॉगिंग वीडियो में। तो अभी सुबह के करीब, सुबह के नहीं 10 बजने वाले हैं अभी, और मैं काफ़ी पहले उठ गया था। अभी खाना वाना मेरा बन रहा है, अब देख सकते हैं खाना वाना मैंने लगा दिया है। क्या करें, तो वगैरह मेरी हो गई है। तो अभी कुछ नहीं, बस ऐसे भी इस तरह बैठे हुए हैं। ठंडी यहाँ पे आज बहुत ज़्यादा हो रही है, मतलब यहाँ पे फॉग वगैरह हो रखे हैं बाहर में, और ठंडी और हवा बहुत तेज चली। आज का प्रोग्राम कुछ खास होने वाला है। शाम को 4:30 बजे यहाँ से निकलेंगे रूम से आउटडोर शूटिंग के लिए, क्योंकि आज संडे है, अपना टाइम टेबल में संडे आज ही पड़ा है। तो अब आउटडोर निकलेंगे आज शाम को 4:30 बजे बाहर पे, फिर देखते हैं क्या मस्ती मजाक वहाँ पे करते हैं, और आपको एक अच्छे प्लेस पे दिखाएं, लेके जाएंगे घूमने के लिए। इस चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। तो भाई बोल दिया था कि आज जाना है जेके टेम्पल, और आप ये देख सकते हैं जेके टेम्पल का ये फ्रंट गेट है, जिधर से एंट्री होती है ये वाला गेट है। और ये हमारे साथ जो हमारे ये आए आशीष भाई। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? अगर आप इस चैनल में नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिए। और ये हमारे आए हैं मनीष भाई, मतलब ये तो भी कल वाले ब्लॉग में देते हैं। और ये आए हैं हमारे आशीष भाई, और आपको दिखाते हैं जेके टेम्पल, जो कि ठीक हमारे सामने ही है। पीछे तो रास्ता है, ठीक सामने हमारे जेके टेम्पल है। बने रहिए आप हमारी इस चैनल पे हमारे साथ, भाई को प्लीज सपोर्ट करिए। आपको दिखाते हैं बैक कैमरे से। तो फाइनली जो है आप ये पीछे वाला जेके टेम्पल देख सकते हैं, मैंने एक सिनेमेटिक शॉट ले लिया आपको दिखाने के लिए। और ये पीछे जेके टेम्पल आप देख सकते हैं, ताजमहल और जेके टेम्पल दोनों की डिजाइनिंग लगभग एक जैसे, बस इसमें चार मीनार नहीं है, उसमें चार मीनार है। बाकी डिजाइनिंग एक ही जैसे है दोनों की, मतलब काफी खतरनाक लुक देता है एकदम संगमरमर और व्हाइट वाला। राजा का महल हुआ करता था, राजा का महल थोड़ी ना था, राजा का महल था, अंदर जाके हिस्ट्री पढ़ लेना। राजा का महल था, आए तो गूगल करके आया करो यार। नहीं, गूगल मैंने किया था, पर वो लिखा था जेके ट्रस्ट के द्वारा बनाया गया था। ये ट्रस्ट के नाम ही एक राजा का महल था। अच्छा, इनके बच्चों ने इसको ट्रस्ट में दे दिया। अच्छा, इनके बच्चों ने इनको ट्रस्ट में दे दिया, ये सब कमा के दे। भाई तुम यहां पहले आप यहां पे, अगर आप पहले यहां जो पहले से देख रहे होगे या पहले से जो यहां पे चक्कर लगा के गए होंगे वो जानते होंगे, यहां पे चारों तरफ की जो साइड में बाउंड्रीज थी, ये बाउंड्रीज थी, ये बाद में प्रॉपर्टी बेच के छोटा किया गया। पहले बहुत लंबा ये महल हुआ करता था यहां पे। मैंने अभी अंदर एक बार आया था, पर अंदर गया नहीं था, ये बात मुझे इसलिए हिस्ट्री नहीं पता। पर भाई क्या ऑसम लुक देता है यार। और ये पानी सेम सिस्टम ताजमहल का है, सामने पानी है और ताजमहल की परछाई इसमें पड़ती है ना, उसम लुक देता है भाई। अपने पीछे देख सकते हो, पीछे पूरा का पूरा ग्राउंड है ये। यहाँ पे लोग बैठते हैं, मतलब यहाँ की जो टाइमिंग है वो सुबह 10 से 12 है ना सर? सुबह 10 से 12 और शाम को ये 4:30 से 9 है। तो अभी 4:30 बजे आते हैं। अभी आपको इसके जेके टेम्पल के पीछे दिखाएंगे, जहाँ पे राजा खड़े होते थे उसकी प्रेजेंस जहाँ पे होती थी, हम आपको वो सब दिखाएंगे। अभी इसके बैक, इसी टेम्पल के बैक साइड पे राजा खड़े होते थे, वो जो विंडोज देख रहे हैं वो राजाओं की रानियों का विंडो हुआ करते थे, वहाँ से विंडो से देखा करते थे ये लोग विंडो, ये उनकी विंडोज है। जैसे आपने मूवीज में बालकनी वगैरह ऐसा देखा होगा, ऐसे देखो आप विंडो अगर फोकस में देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे, वो विंडोज होती थी उनकी रानियों की। ओके, मतलब तुमने हिस्ट्री पूरी पढ़ डाली इसमें। आप जो हाथी देख रहे हैं इसमें, हाथी दिखा अभी जो हाथी, अभी जो हाथी देख पा रहे हैं ये पुराने टाइम के, यहाँ पे लैंप्स टंगते थे, ये लैंप्स होल्डर्स थे पुराने टाइम के। ताजमहल में दिखता है वो, इसीलिए इसको दिया गया है। क्या औसम लगता है, देख के दिल खुश हो जाता है। और ये मंदिर जो है राधा कृष्ण मंदिर है। अब एकदम जो है मंदिर के एकदम करीब पहुँच चुके हैं, आप देख सकते हैं लाइटिंग अब धीरे धीरे जा रही है, क्योंकि शाम के 4:30 बज चुके हैं। एकदम पास में पहुँच चुके हैं, आप देख सकते हैं मंदिर के।
भाई क्या मतलब ये राधा कृष्ण मंदिर है और अंदर में काफी ढेर सारी मूर्तियाँ और है भगवान की। और अभी आप देख सकते हैं भाई क्या ओशन लोग, जितना पास से जाओ उतना देखने में ये इसकी खूबसूरती बढ़ती रहती है। जितना भी पास जाओ इसके एकदम मौसम लगता है भाई, आंखों से मैं जो देख पा रहा हूँ ना वो आप कैमरे में नहीं देख पा रहे, वो फील नहीं कर पा रहे। कभी विजिट कीजिए कानपुर, आपको फिर पता चलेगा इसकी खूबसूरती क्या है भाई। पूरा का पूरा पत्थर तो क्या बोलेगा, तो बोल दे भाई, तुझे जो बोलना है तो याद करके जो है बोल दे। बोल मंदिर के बारे में क्या बताना चाहेगा, मुझे इतनी हिस्ट्री मालूम नहीं है, तुझे जो हिस्ट्री मालूम है बता दे पूरी। अब बैक कैमरा जो देख रहे हैं आप पीछे, मतलब ये जो खिड़कियाँ दिख रही हैं आपको, ये छोटे छोटे जो खिड़कियाँ दिख रही हैं यहाँ पर राजा के जो है मंत्री वगैरह यहाँ पे रहते थे नीचे के साइड में। ये पहले मतलब जो पहले के जो लोग रहते थे उन्होंने बताया था कि यहाँ पे जो राजा के मंत्री वगैरह हैं वो सभी इस अंडरग्राउंड में रहते थे। और ये सब जितना ये नीचे का फ्लोर है मतलब ऊपर बेसमेंट पूरा एक बेसमेंट में बना हुआ है, पूरा एक बेसमेंट टाइप का बना हुआ है। नीचे जो है इनके सारे के सारे सैनिक वगैरह और मंत्री वगैरह ये सब रहते थे, नौकर वगैरह रहते थे। और आप ये देख सकते हो उस समय में तो रेड कारपेट हुआ नहीं करता था। ये आप जो देख रहे हैं रेड कारपेट की तरफ जो रेड पेंट है, इधर से राजा जो है वो अंदर जाया करते थे, उनका एंट्री गेट है ये, जैसे राजा हाथी से घोड़े से कुछ भी से वो अंदर की तरफ जाया करते थे। इधर से मतलब पूरा मतलब ये नालियाँ बनी हुई, पहले ज़माने की नालियाँ हैं, पहले नालियाँ मतलब कुछ ज़्यादा खास नहीं बनाई जाती थी, ऐसे नॉर्मली बनाई जाती थी। दीवार तो भाई बहुत मोटी है, और ये नालियाँ देखो ऐसे बनी हैं सारी। और ये है कोई राजा मंत्री जो उनके नौकर रहा कर सर्वेंट रहा है, रानी को कोई दिक्कत ना हो, ये सब रानियों का महल है, रानियों के कमरे ऊपर में जो दिख रहा है सब रानियों के कमरे हैं। और मतलब आपको जो भी इसमें दिखेगा, जो भी मतलब पुराना होगा, जो भी यहाँ पे आपको पुराना होगा सब आपको टाइल्स का दिखेगा, पत्थर का बना हुआ होगा। जो भी नए बने होंगे जैसे कि जस्ट ये सब सीमेंट के होंगे। पैसा लेता है थोड़ा जूता चप्पल उसका तो लेंगे, हाँ उसका तो लेंगे। क्या घूमेगा इससे ज़्यादा नहीं घूमेगा, इधर घूमा इधर घूमा, अभी इतना फास्ट कर दिया, बहुत तेज़ घूमता है।